राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज पीएम मोदी का तूफानी दौरा। दोनों राज्यों को देंगे 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। मेहसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी का नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा हिंदुत्व पर उपदेश देना आसान लेकिन उसका पालन करना मुश्किल। दिल्ली में छिपे संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी शहनवाज उर्फ सैफी उज्मा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दबोचा, वो स्लीपर सेल भी गिरफ्तार। शाहनवाज पर एनआईए ने रखा था 3 लाख का इनाम, पुणे पुलिस की हिरासत से हुआ था फरार। नक्सलियों के खिलाफ एनआईए का बड़ा ऑपरेशन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 60 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी। नक्सल फंडिंग के सिलसिले में सुबह से चल रही है रेड। तुर्की ने आतंकवादी हमले का किया बदला, इराक में कुर्द लड़ाकों के 20 ठिकानों पर किया हवाई हमला। तुर्की के संसद भवन के पास हुए आतंकी हमले की कुर्द लड़ाकों ने ली थी जिम्मेदारी। कनाडा में घोषित की गई नई ऑनलाइन सेंसरशिप नीतियों की दुनिया भर में आलोचना। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने बताया शर्मनाक, ट्रूडो सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की कोशिश का लगाया। देश की सबसे शानदार ट्रेन वंदे भारत के स्लीपर वर्जन में हवाई जहाज जैसी सुविधाएं। स्लीपर वंदे भारत का कॉन्सेप्ट आया सामने, अगले साल की शुरुआत में आ सकती है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। एशियन गेम्स में अब तक 13 गोल्ड मेडल के साथ भारत का जलवा बरकरार। मेंस शूटिंग और स्टेबल चेंज के बाद आज शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह ने भी भारत को दिलाया गोल्ड, महिला शूटिंग टीम ने दिलाया सिल्वर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी बधाई। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।